अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन सिंपल इंग्लिश ऑफ यूनिट नंबर 10, दैट इज ड्रग एडिक्शन। बट नाउ इन दिस वीडियो आई विल डू द ट्रांसलेशन इनटू उर्दू ऑफ यूनिट नंबर 10, दैट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन मीन्स नशे की आदत। ओके, सो आई एम डूइंग ट्रांसलेशन बिकॉज देयर इज द क्वेश्चन इन योर पेपर ऑफ मैट्रिकुलेशन इंग्लिश पेपर। They translate the paragraph into Urdu or rewrite it into simple English. For the students who have already doing simple English, I have a separate video for them. And this video is for those students who are doing translation into Urdu. So let's start with the text. This is a very informative unit about drugs. That what are the causes of drugs? And what type of people used to be a victim of it, and how they can get proper treatment. So let's start with the reading. Drug addiction is a common problem all over the world. नशे की आदत आज पूरी दुनिया का एक मुश्तरका मसला है. There are many forms of drug addiction. और नशे की कई इकसाम हैं, इसकी कई शक्लें हैं. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना है. Long term use of drugs causes permanent mental and physical sickness. और अगर मुनशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये जहनी और जिस्मानी तौर पर ख़तरनाक बीमारियों का बायस बनता है. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. Zehen aur jism mein kharabi paida karne wali kuch munashiyat mein heroin, chars, tambaku, valium, cocaine aur alcohol shamil hain. Paragraph number 2. Drug addiction is caused by the environmental factors. नशे की आदत जो है वो माहौलियाती अनासर की वजह से भी पैदा होती है. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. और चंद अहम माहौलियाती अनासर जो नशे की आदत का बाइस बनते हैं उनमें बुरे साथियों का असर और मुश्किलात का शिकार घरेलू पस मंज़र शामिल है. When young people remain in bad company, जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं, and do experiments in the name of adventure, और कारनामों के नाम पर मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं, they may fall a prey to addiction, तो वो नशे के आदि हो जाते हैं या नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction. और वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से नाखुश और गैर मुतमईन होते हैं वो भी अक्सर औकात नशे की आदत में पनाह लेते हैं. In order to seek and escape from responsibilities of life, ताकि वो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल कर सकें. Paragraph number 3. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. So, सबसे ज़्यादा अहम कदम जो इस सिलसिले में उठाया जाना चाहिए वो ये कि नशे के आदि की बहाली और उसकी सेहतियाबी है. In many countries, including Pakistan, बहुत सारे ममालिक बशमूल पाकिस्तान, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों में नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद, उनके ख़ानदान वाले और उनके दोस्त दूसरों के साथ अपने मसाइल पर बात करने को ममनू समझते हैं. दे फील एम्बैरस्ड टू टॉक अबाउट इट. वो इस बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी का एहसास रखते हैं. फॉर फियर ऑफ बींग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, और इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्हें आवारा ना करार दे दिया जाए. This not only makes the cure difficult,
but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. ये बात ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देती है बल्कि ज़्यादा तौर पर नशे के आदि अफराद को बर वक्त इलाज और मशवरा ना होने की वजह से वो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली सेहत के मराकज़ जो हैं वो किसी भी नशे के आदि अफराद की बहाली के अमल के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब जगह समझी जाती हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स. और इन सेंटर्स में इन क्लिनिक्स में लोगों को मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फ्राहम की जाती है. ड्रग अब्यूजर्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम. इसलिए नशे के आदि लोगों को लाजमी तौर पर और बाकायदगी से बहाली के मराकज़ में लाया जाना चाहिए जहाँ इनके लिए मुनासिब इलाज की सहूलतें मौजूद हों. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. تاہم اس کے لیے نشہ کی عادت کے مسئلے کی فوری شناخت اور نشے کے شکار لوگوں کے لیے ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. The other factors that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. दूसरा आंसर जो नशे की आदत के शिकार की बहाली में मदद देता है वो है मुनासिब मशवरा. प्रॉपर काउंसलिंग मीन्स मुनासिब मशवरा. द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टम. और जितनी जल्दी ये कर लिया जाए उतना ही नशे के आदि शख्स के लिए बेहतर होता है. द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहैबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ अ रीलैप्स. और ये मशवरे का अमल ड्रग अब्यूज़र नशे के आदि अफराद की बहाली के बाद भी जारी रखना चाहिए क्योंकि हमेशा बीमारी के वापस आने का एक ख़तरा भी मौजूद रहता है. मीन्स जो नशे के आदि अफराद होते हैं उनकी बहाली के बाद भी उनको मुनासिब रहनुमाई और मशवरा दिया जाना चाहिए क्योंकि बीमारी के वापस आने का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है. डॉक्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसिल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. डॉक्टरों ख़ानदान के अफराद दोस्तों को बेहतरीन तहरीक और तब्दीली के लिए नशे के शिकार आदि की एक मुनासिब निगरानी करनी चाहिए और उनको मुनासिब मशवरा देते रहने देना चाहिए. Drug addiction is really a very serious threat to any society. नशे की आदत वाकई किसी भी मुआशरे के लिए एक बहुत ही संजीदा ख़तरा है. In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 50 लाख के करीब नशे के आदि अफराद हैं. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. और नशे के आदि अफराद बहुत सारे मुआशी समाजी और सेहत के मसाइल से दो चार रहते हैं. द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट. पूरी दुनिया की हुकूमतें ये कोशिशें कर रही हैं कि मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म किया जाए मगर इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अभी मज़ीद कोशिशों की और ज़रूरत है. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. और ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनशियात के ख़तरात से आगाह हों. ठीक है. They should vow verbally और उन्हें पक्का वादा करना चाहिए to live a healthy and meaningful life कि वो एक सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी गुजारेंगे. Okay, thank you.